Hello, welcome back to Movie Biz, your very own show. Thank you so much for being with us, for liking this show, for subscribing this show, and for encouraging us always. आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी इस फिल्म ट्रेड की, क्योंकि आज फिल्म ट्रेड में थोड़ी थोड़ी हंसी आने लगी है, लोग खुश होने लगे हैं, रौनक आ गई है, क्योंकि सिनेमा घर खुल चुके हैं। ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया में 50% से लेके 100% कैपेसिटी तक थिएटर्स खुल चुके हैं। बिजनेस की एक नई लहर नजर आ रही है और बॉक्स ऑफिस फिर से मुस्कुरा रहा है। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी, द इंटायर फिल्म ट्रेड इज हैप्पी। और आज हम बात करते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के बारे में, जो फिल्म रिलीज हुई है उसकी रिलीज के बारे में और बाकी फिल्मों के बारे में। तो आज मेरे साथ है फिल्म ट्रेड जर्नलिस्ट नरेंद्र गुप्ता जी। वेलकम टू द शो नरेंद्र जी, हाउ इज इट गोइंग? It's doing pretty well, you know. The film was released yesterday, and the opening collection, I feel, is around 10 crore. Gangubai Kathiawadi, which is quite good considering the fact that it's a woman-oriented film. Hero-oriented, but Alia Bhatt is a star. She's as good as number one. Diwali pe ke baad teen film aayi thi, Suryavanshi, Pushpa, and Spider-Man. In tino filmo ka collection tha almost 900 crore. इंडस्ट्री में उम्मीद जब की थी चलो अब फिल्में रिलीज करेंगे, लोगों ने जनवरी से टाइप कर लिया था थिएटरों से और रिलीज की तैयारी थी, सब कुछ जोश में था। गंगूबाई रिलीज पे थी, आरआर रिलीज पे थी, लेकिन अचानक एंड ऑफ दिसंबर से गवर्नमेंट ने वापस लॉकडाउन लगाया, सब थिएटर इन इंडिया बंद हो गए। कुछ स्टेट में 50% चल रही थी, एट लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, थिएटर्स कैन ऑपरेट विद 100% ऑक्यूपेंसी। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज, वंडरफुल गुड न्यूज। एग्जैक्टली, एट लास्ट इतनी रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी, इट्स अ रियली गुड फिल्म। क्रिटिक अप्रिशिएट कर रहे हैं, मासेस अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन जहाँ कॉस्ट की बात करते हैं तो थोड़ी एक्सपेंसिव फिल्म है, 150 करोड़ की फिल्म। एज पर द सोर्सेज इज 180 crore बजट, इसमें PNA भी है और थोड़ा पिक्चर डिले, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, लेकिन बंसाली साहब ने अपना सेव कर दिया इन्वेस्टमेंट। उन्होंने 90 crore बेची है पैन इंडिया को और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, 60 crore का उनको मिला है सैटेलाइट राइट, 30 crore मिला है डिजिटल राइट्स और 20 crore अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम म्यूजिक। सो ही अर्न अराउंड 20 crore बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। सो फॉर हिम इट्स अ वेरी सेफ बेट, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एग्जैक्टली द फिल्म शुड डू अराउंड 180 crore बिजनेस फॉर जयंतीलाल गड्डा भाई टू रिकवर द कॉस्ट। होपफुली इट विल डू गुड बिजनेस, बट वी डोंट नो how much the audience will respond to the film, but the initial responses are very good. Very good, yeah. But how is Alia Bhatt ka kaam, kaise sab bol rahe Alia Bhatt to award winning performance? She is really, of course, she has delivered an award winning performance and every frame uska nazar aata hai ki us ladki ne kitni mehnat ki hai. Baaki star cast mein supporting mein aapko Vijay Raj hain, Ajay Devgan hain, Seema Pav hain. गंगूबाई काठियावाड़ी जो है, शी इज अ सीनियर लेडी, मैच्योर लेडी, तो क्या आलिया भट्ट इतनी यंग होके, शी लुक्ड परफेक्ट इन दैट, शी इज क्वाइट, शी लुक्स वेरी गुड, शी इज डन जस्टिस विद द एज पॉइंट ऑफ व्यू। गंगूबाई का लास्ट एज का नहीं दिखाया उन्होंने, द वे शी फाइट्स फॉर द सबॉर्डिनेट सेक्स वर्कर, ये पिक्चर वहां पर एंड हो जाती है, दैट्स इट। उनका एंड बोलते हैं बुक्स के हिसाब से 1978 में डेथ हुई थी और ये फिल्म 1964 की पहले की दिखाई है, तो लास्ट के 20 साल करीब समझो ओमिट कर दिए हैं डायरेक्टर साहब ने। इसके साथ ही रिलीज हुई अजीत साहब की फिल्म वली मई, साउथ के जो बड़े स्टार हैं अजीत, बिगेस्ट तमिल फिल्म रिलीज, 150 करोड़ का बजट की फिल्म बनाई है और इसके प्रोड्यूसर है मिस्टर भूली कपूर। फिल्म ने बहुत ही फैंटास्टिक ओपनिंग ली थी, मोर देन 25 crore जो रिकॉर्ड था तमिलनाडु के लिए, लेकिन फिल्म सेकेंड डे फ्राइडे बहुत बैठ गई क्योंकि फिल्म में क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ एक्शन एक्शन सिर्फ एक्शन का। और साउथ के लोगों ने सोचा पुष्पा ने बहुत कमाल का बिजनेस किया है, चलो हम डब करके हिंदी में रिलीज करें, तो ये सबसे बड़ी गलती हुई। हर फिल्म पुष्पा नहीं। अच्छा बाय एंड लार्ज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नाउ बॉक्स ऑफिस, हिंदी सिनेमा का बिजनेस, क्या ये फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे हम पहले देखते थे, करोड़ों में एक नॉर्मल रन शुरू हो गया है या होने की उम्मीद लगती है, या अभी भी OTT is dominating the theaters? Of course, जो छोटी मोटी फिल्म है तो OTT definitely is the biggest platform for the producers. तो सबसे अच्छी बात यह है कि OTT में भी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, अच्छे स्टार्स की फिल्में आ रही हैं और थिएटर में भी आ रही है, which is a very good sign. Though I think theaters will come up now and make it big, because theaters में business
करोड़ों में जा सकता है। आवर ऑडियंसेस वुड लाइक टू नो कि अभी आने वाले दिनों में थिएटर्स में कौन सी पिक्चर आ रही है और ओटीटी में, क्योंकि दोनों जगह बड़ी बड़ी पिक्चर है। 4 मार्च को दो बड़ी फिल्में रिलीज पे हैं। एक तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है जुन, और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने बहुत बड़ी वेब सीरीज बनाई है रुद्रा, जिसमें अजय देवगन, ईशा देओल, अतुल कुलकर्णी, बड़े बड़े स्टार कास्ट है। ओटीटी में भी भर भर के सिनेमा मिल रहा है, थिएटरों में भी मिल रहा है, फैंटास्टिक। मे बॉलीवुड शाइन मोर एंड मोर एवरी डे, एंड विद दैट हैप्पी नोट, विद दैट प्रॉस्परस नोट, लेट्स से गुड बाय टू नरेंद्र गुप्ता जी, गुड बाय टू यू, एंड वी कैच अप अगेन वेरी सून, सेम टाइम सेम प्लेस। ऑल द बेस्ट।